वेलकम है आप सभी का फ्लैश दिस एन पी एस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम करने वाले हैं एक और नई गेम अनबॉक्सिंग जो PS4 एक्सक्लूसिव गेम है और जिसका नाम है डेज गॉन। और ये ओनली ऑन प्ले स्टेशन के लिए है। तो जल्दी से चलते अपने पैकेज की तरफ और ओपन करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पैकेज की तरफ। तो ये हमारा पैकेज मैंने अमेजोन से उसको परचेस किया था 4000 रुपये में। तो जल्दी से इसे ओपन करते हैं और निकालते हैं अपने गेम को। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपने गेम निकाल ली है, PS4 ओनली ऑन प्ले स्टेशन डेज गॉन 18+ गेम है और बैन स्टूडियो के तरफ से है ये गेम। पीछे की तरफ देखें तो आप प्राइस देख सकते हो 4000 रुपये। और बाकी इस प्लास्टिक के कवर को हटाते हैं और बाकी की चीज़ें देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो जल्दी से इस प्लास्टिक के कवर को ओपन करते हैं। तो गाइस हमने अपना प्लास्टिक का कवर भी हटा लिया है। तो वापस आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले ये PS4 ओनली ऑन प्ले स्टेशन के लिए ये गेम है। PS4, PS4 स्लिम और PS4 प्रो पे आप खेल सकते हो। और गेम का नाम है डेज गॉन और रेटिंग की बात की जाए तो 18+ है। और स्टूडियो की बात की जाए तो बैन स्टूडियो ने यह गेम बनाई है। पीछे की तरफ आप देखो तो द वॉल कम्स फॉर यू और पीछे के ग्राफिक्स दे रखे हैं गेम के यहाँ पे। और गेम की बात करें तो 1 प्लेयर ऑफलाइन स्टोरी गेम है ये। और स्टोरेज की बात करें तो 50 GB मिनिमम आपको स्टोरेज चाहिए और ड्यूअल शॉक वाइब्रेशन भी रखा गया है। और PS4 प्रो में 4K में भी रन कर सकते हो गेम को। तो बाकी ये सब तो हमने देख लिया और जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। गाइस ये हमने ओपन कर लिया अपने बॉक्स को। तो सबसे पहले हमें ये मिला है PS प्लस का एडवर्टाइज मिली है और ट्राई फॉर फ्री। जब आप पहले PS4 खेलो तो आपको 14 दिन फ्री मिलेगा। सब पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो पीछे की तरफ देखें तो गेम के कंट्रोल्स के बारे में बताया गया है। डेज गॉन ये आप देख सकते हो, ऑन बाइक, ऑन फूट, ये पूरा कंट्रोल है। और पीछे PS प्लस की ऐप दी रखी है। तो मेन चीज़ की तरफ आए तो ये रही हमारी गेम की डिस्क। ये देखो डेज गॉन 18+ PS4। तो चलते हैं अपने पहले PS4 प्रो की तरफ और डिस्क को लगा के देखते हैं कितना GB का अपडेट है और कितना GB इंस्टॉलेशन है। तो बढ़ते हैं अपने प्ले स्टेशन की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने PS4 प्रो के पास। तो इस डिस्क को लगाते हैं अंदर। तो यहाँ से जी हाँ दोस्तों ये रही हमारी डिस्क। तो लगाते हैं यहाँ पे अपने डिस्क को। तो ये गई हमारी डेज गॉन के डिस्क अंदर। बंद करते हैं और स्क्रीन की तरफ आप देखो तो लोड हो रही है और आपको मिल जाएगा स्क्रीन के सामने ही। ओके तो यहाँ पे मेरे को बता रहे हैं कि देर इज़ नॉट इन फ्री स्पेस इन सिस्टम स्टोरेज। तो मेरी 1 TB पूरी फुल हो चुकी है, इसके लिए आपको 50 GB मिनिमम चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास। तो हम आ गए अपने कंट्रोल के पास। सबसे पहले ओके करते हैं और जो काम की चीज़ें नहीं है उसे निकालते हैं। यहाँ पे बात करें तो स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गए हम स्टोरेज पे और क्लिक करते हैं। तो फोकस नहीं हो रहा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके करते हैं। तो मेरी फ्री है 45 GB है। तो मैंने आपको पहले ही बताया उसके लिए आपको चाहिए मिनिमम 50 GB स्टोरेज चाहिए आपको। तो एप्लीकेशन पे चलते हैं और सबसे पहले उसे डिलीट करते हैं। नीचे चलते हैं सबसे पहले कौन कौन से गेम्स है और देखते हैं।
कौन है, ये गेम हम खेलते ही नहीं है तो उसे डिलीट करते हैं। काम हो का अंदा पड़ी है, 78 GB की गेम है जो ये महीने की फ्री गेम है कॉनान एक्चुलस, तो उसके लिए तो उसे डिलीट करती हैं। बस थोड़ा वेट लगेगा, हो गया डिलीट। वापस बैक आते हैं और अपनी डिस्क जो लगाई है वहाँ पे आते हैं देश गॉन की, तो स्टार्ट करते हैं। और ये फाइनल इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले हमारे दोस्त जो है वो खेलते हैं। ये देखो 4 लोगों ने बाय की है परचेस, वो खेल रहे हैं, और भी किसी ने की होगी लेकिन अभी जो खेल रहा है उसके दिखा रहे हैं ये। तो ओके बटन दबाते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे 17 GB का इंस्टॉलेशन है और 22 मिनट बता रहे हैं कि 22 मिनट के अंदर 17 GB इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये इंस्टॉलेशन तो देख लिया हमने, अब आते हैं अपडेट की तरफ। तो अपडेट की बात करें तो हम नोटिफिकेशन में आते हैं और यहाँ पे डेज गॉन अपडेट के लिए लोड हो रही है। ओके गाइस, तो ये रहा डेज गॉन। तो यहाँ पे डेज गॉन का पहला अपडेट है 23 GB और 763 GB, यानी तकरीबन 24 GB के आसपास है। तो ये अपडेट हो रहा है, 7 घंटे बता रहे हैं अपडेट के लिए। तो पहला अपडेट है 24 GB का। तो वापस अपने इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। तो गाइस यहाँ से हम स्किप करते हैं और इंस्टॉलेशन होने पे आपसे मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये इंस्टॉल होने आ चुका है 17 GB। तो ये 17 GB इंस्टॉलेशन हो गया है और अपडेट है 23 GB का। तो मिनिमम आपको चाहिए 50 GB और आप अपडेट के बिना भी खेल सकते हो विदाउट अपडेट इस गेम को, क्योंकि ये पूरी स्टोरी ऑफलाइन गेम है। तो गाइस ये थी हमारी गेम डेज गॉन। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये गेम कब लाइव स्ट्रीम में खेलें, तो लाइव स्ट्रीम में भी ये गेम को देख सकते हो, फुल गेम हम खेलने वाले हैं लाइव स्ट्रीम में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और लाइव स्ट्रीम में, तब तक बाय बाय, गुड बाय।